डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो यहाँ पे स्टार्स दे रखे हैं, इसमें आपको नंबर लिखना है, ठीक है, फिलअप करना है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, इजी है, बट इसमें माइनस का निशान लगा है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे स्टार है, फिर 2 और 9, हम क्या करेंगे बेटा, अगर ऊपर वाला स्टार निकालना है तो ये नीचे के जो 2 नंबर हैं उसे ऐड कर देंगे बेटा, 9 2 11। तो हम 11 का 1 रखेंगे बेटा, इसका मतलब 11 जब आया होगा यहाँ पे तो हमने कैरी ऑन किया होगा आगे वाले नंबर से, ओके। इससे ये 3 है, हमने कैरी ऑन किया तब 11 आया, तो 3 ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक है। फिर 5 में से 4 माइनस किया 1, ठीक है। नीचे वाले नंबर निकालने के लिए ऊपर वाले को सेकंड नंबर से माइनस करना होगा, ठीक है। इसमें बीच वाला नंबर निकालना है, 7 में से क्या माइनस किया होगा कि 8 आ जाए, तो इसके लिए हमें आगे से कैरी ऑन करना पड़ा होगा कि कैरी ऑन किया हमने, ये 17 हो गया, तो 17 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो 17 में से 9 माइनस किया है तो 8 आ गया हमारे पास। जब हमने इसे कैरी ऑन किया तो 8 है, ये 7 नंबर हो जाएगा, ओके। फिर 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6। फिर नेक्स्ट कॉलम 7 में से क्या माइनस किया होगा कि 6 आया होगा, तो 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आंसर आ गया। तो बेटा इस तरीके से आपको ये सब्ट्रैक्ट वाला फिलअप्स करना है। ये ध्यान रखिए, अगर ऊपर वाला करना है तो नीचे ऐड करके ऊपर वाला कर सकते हैं, अगर कैरी ऑन लिया है तो आगे वाला एक नंबर कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और नीचे लास्ट के कॉलम निकालने हैं तो ऊपर वाले को फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होगा। बीच वाला भी निकालना है तभी आप ऊपर वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आप ध्यान रखें, अगर नंबर छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो आगे वाले नंबर से हमको क्या करना पड़ता है, कैरी ऑन करना पड़ता है, ओके। आई थिंक आपको फिलअप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, ओके।